हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 6.2। लेट्स सी एग्जांपल 8। इस एक्सरसाइज में बेसिकली मैं मेथड कौन सा यूज करूंगी, फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज कमिंग लाइक लेस देन 0 देन इट मीन्स इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो इतना बेसिक अगर आपको पता है तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल 8 देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, आर सेट क्या है, एक रियल सेट है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको उसको दिखाना है कि इंक्रीजिंग आना चाहिए। सो फंक्शन की वैल्यू क्या है, कुछ इस तरह से है आपके पास, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास वैल्यूज आएंगी लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि आपको इंटरवल्स तो फाइंड आउट नहीं करने हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको इंटरवल्स नहीं फाइंड आउट करने हैं सो बेसिकली सिंपल आपको इसको इंक्रीजिंग दिखाना है, तो देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ। सो अगर आपको यहाँ पे इसको सिंपली फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे इसके डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे एक स्टेप देखो, 3x² - 6x + 3 + 1। तो मैंने 4 को किस तरह से ब्रेक करके लिख लिया है, 3 + 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पोर्शन में से 3 की वैल्यू कॉमन आ रही है। सो मैंने 3 की वैल्यू जैसे ही कॉमन ली इस तरह से आपके पास वैल्यू आ रही है। अब आप इसके फैक्टर्स अच्छी तरह से कर सकते हो, राइट। सो फैक्टर्स करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी। दैट मीन्स x - 1 आपके पास 2 बार आएगा, राइट, फैक्टर के फॉर्म में। सो मैंने x - 1 का होल स्क्वायर लिख दिया है +1। सो आपके पास सेट कौन सा प्रोवाइडेड है, रियल सेट। रियल सेट में कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, राइट। सपोज करो मैं 1 वैल्यू अगर x में वैल्यू डालती हूँ 1, ठीक है। आप यहाँ पे 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू आप रियल सेट में से उठा के आप x की वैल्यू में पुट करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो जैसे ही मैं 1 डालती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट। और यहाँ पे अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी डाल के देखेंगे ना तब भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो आपकी होगी स्क्वायर है, क्योंकि जो भी नेगेटिव वैल्यू भी डालेगा यहाँ पे सपोज करो तो उसको भी वो पॉजिटिव वैल्यू में ही इसको मिलेगा, राइट। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव देगा वो, राइट। सो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सब कुछ क्या है, पॉजिटिव के फॉर्म में आप कोई भी वैल्यू डालते हो तो, राइट। 2 डालोगे यहाँ पर तो भी वैल्यू आपकी एकदम इंक्रीजिंग फॉर्म में ही आपको दिखेगी। सो मतलब आपके जो फंक्शन की वैल्यू है 0 से बड़ी आ रही है कम्प्लीटली, राइट, एंड इट्स पॉजिटिव, राइट। सो आप क्लियरली लिख सकते हो कि आपके फंक्शन की वैल्यू ऑफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। सो एज यू क्लियरली सीइंग दैट ये जो आपकी वैल्यू है 0 से बड़ी आ रही है, राइट। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव लेती हूँ, सपोज -2 लेती हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं -2 डालती हूँ क्या आप वैल्यू आपको मिलती है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई -3 - 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 वैल्यू मिलेगी। सो 9 × 3 = 27 + 1 दैट मीन्स 28। सो हर बार आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। सो इसीलिए जो आपका पूरा ओवरऑल एफ डैश ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इंटरवल्स फाइंड आउट नहीं करने थे, सिंपली आपको ये बताना था कि ये जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है ऑन आर। सो इट्स क्लियरली दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 9 में आपको प्रूव करना है that the function given by fx equals to this is a part decreasing in this, b part increasing in this and neither increasing and nor decreasing in this. So first of all मैं यहाँ पे function को लिख रही हूँ, that means cos x आपके पास function है। So यहाँ पे इस example में क्या है कि आपको intervals already provided हैं, right? सो जहाँ पर आपके पास इंटरवल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं कि इसमें ही इसी इंटरवल में ही आपको डिक्रीजिंग दिखाना है इस फंक्शन को, इसी इंटरवल में इसी डिफाइंड रेंज में आपको इंक्रीजिंग दिखाना है एंड इसी रेंज में आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बताना है, तो वहाँ पर आपको इंटरवल्स निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास एक एक स्टेप दिया हुआ है, ऑलरेडी इंटरवल्स निकाल कर दिए हुए हैं कि इसी इंटरवल पर आपको चेक करना है, तो यहाँ पर भी आप इंटरवल्स नहीं निकालते हो, राइट। सो यहाँ पर सिंपली आप क्या करोगे,
फंक्शन आपके पास ये, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो हम क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स के ऊपर बेस्ड ही हम वैल्यूज़ को देखते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, बिकॉज अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है दैट मीन्स इट्स डिक्रीजिंग, राइट। सो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स निकालना तो ज़रूरी था, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अगर यहाँ पे हमें इंटरवल्स निकालने होते तो हम लेट कर लेते एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल एंड वहाँ से एक्स का एक पॉइंट निकल के आ जाता, लेकिन यहाँ पे इंटरवल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हम इंटरवल्स नहीं निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखो जिसमें कि आपको ये फंक्शन डिक्रीजिंग बताना है। सो यहाँ पे आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास इंटरवल में क्या प्रोवाइड किया हुआ है, आपको जीरो से पाई में चेक करनी है वैल्यू, ठीक है। सो जीरो से पाई में वैल्यू क्या है, कुछ इस तरह से, जीरो ये है, पाई क्या है ये, राइट। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है, इंटरवल आपके पास क्या है, जीरो से पाई, ए पार्ट की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, राइट। एंड एफ डैश ऑफ एक्स के लिए अब यहाँ पे आपको साइन लगाने हैं, ठीक है। सो माइनस का साइन तो ऑटोमेटिकली चल ही रहा है, एक साइन, ठीक है। अब साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स के लिए आपको चेक करना है कि जीरो से पाई में आपके वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी। तो इतना आपको पता है बेसिक कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, जीरो से पाई बाय टू, ये पाई बाय टू है, इस क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी एंगल लेते हो तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आता है, साइन आपका जो होता है वो पॉजिटिव में ही आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, मेरे पास साइन ही है तो मैं यहाँ पे चाहे कोई भी एंगल उठाकर पुट करूँ एक्स की जगह, तो मेरे पास साइन एक्स में, मतलब जो भी मैं वैल्यू डालूंगी एक्स में, तो साइन में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी वैल्यू साथ में, राइट। क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी मुझे साइन की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर एक एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, राइट। सो यहाँ पर साइन एक्स ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली इस जीरो से पाई में साइन की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जीरो से पाई में साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव, चाहे आप कोई भी वैल्यू डालकर चेक कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, पॉजिटिव साइन, क्यों लिख दिया है वो मैंने आपको बता दिया है। सो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, आपको माइनस वैल्यू ही देगा, माइनस मतलब डिक्रीजिंग। सो अगर आपके पास डिक्रीजिंग आ रहा है, क्लियरली आपको यही बोला था कि डिक्रीजिंग शो करना है आपको इस इंटरवल में, तो आपने उसको डिक्रीजिंग कैसे शो किया, बहुत ईजी था, राइट। सो आप ये भी लिख सकते हो साथ में नीचे, देयरफॉर माइनस के साथ वैल्यू ऑलरेडी बाहर चल रही थी, उसकी वजह से प्लस का जो मल्टीप्लाई हुआ है माइनस, उसकी वजह से माइनस आपके पास रिजल्ट आया है डिक्रीजिंग। अदरवाइज ये पॉजिटिव वैल्यू होती यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस 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 ही मिलता आपको, राइट। सो देयरफॉर इट्स डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग रिजल्ट इसलिए मिला है क्योंकि ये जो था माइनस, इसकी वजह से इसने प्लस के साइन को भी क्या कर दिया है, माइनस। सो आई होप आपको ए पार्ट क्लियर हो गया हो, इसी तरह से देखो बी पार्ट एंड सी पार्ट। सो क्लियरली आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो आपके पास अब कहाँ पे है इंटरवल, सो ये है आपके पास पाई वैल्यू दैट मीन्स 180 डिग्री एंड ये है आपके पास 2 पाई दैट मीन्स 360 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सो ऑलरेडी आपको पता है कि इंटरवल कौन सा आपको लेना है, दैट मीन्स पाई से लेके 2 पाई, एफ डैश ऑफ एक्स में चेक करने हैं आपके पास और रिजल्ट आपको अभी दिख जाएगा, राइट। सो माइनस का साइन आप ऑलरेडी लगा ही दो क्योंकि माइनस का साइन आपका ऑलरेडी चल ही रहा है। तो अब अगर बात करें साइन एक्स की, तो साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, सबको पता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है इस पूरे रेंज, इस पूरी रेंज में जो आपसे पूछा गया है, राइट। सो माइनस माइनस आपको क्या रिजल्ट दिया है इसने, पॉजिटिव, राइट। सो दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो, सो नेगेटिव तो है ही नहीं वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस माइनस पॉजिटिव दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। सो आप साथ में लिख सकते हो, एज हेंस एफ डैश ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है इन पाई टू टू पाई। ठीक है, प्रॉपरली मेंशन करना है कि आपको ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब मिल रही है, इस वैल्यू में, इस इंटरवल में। ठीक है, सो ये है आपका बी पार्ट का आंसर। और सी पार्ट में आपको क्या शो करना है, सो आपके पास जितने भी क्वाड्रेंट्स है पूरे इस इंटरवल में बात करनी है कि वो आपका जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स, सो जो आपके पास फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स दैट मीन्स माइनस साइन एक्स, इसके लिए आपको चेक करना है कि आपके पास ये जो वैल्यू है वो क्या बता रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में। सो इतना तो अभी आपको क्लियर पता चल चुका है कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आई आपकी, डिक्रीजिंग। ऐसे ही आपने जब इस इंटरवल में चेक किया पाई से टू पाई तो वैल्यू आपकी क्या आई, इंक्रीजिंग। ठीक है, सो इतना पता चल गया कि सिर्फ जीरो से पाई में अगर चेक करती हूँ सिर्फ मेरे पास तब डिक्रीजिंग आ रहा है, या फिर अगर मैं पाई से सिर्फ टू पाई चेक करती हूँ तब मेरा जो है वो इंक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल चेक करती हूँ तो क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है, नो। क्या ये हमेशा डिक्रीजिंग आ रहा है अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, नो। तभी लिखा है दैट मीन्स फ्रॉम, आप लिख सकते हो फ्रॉम अबव ए पार्ट एंड बी पार्ट इट्स वेरी क्लियर दैट एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो इन जीरो टू पाई एंड एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इन पाई टू टू पाई। Hence, so it's clear that your f dash of x is neither increasing nor decreasing. तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा increase कर रहा है या फिर हमेशा decrease कर रहा है, तो इसीलिए लिखा गया है कि ना तो वो increasing है ना तो वो decreasing है। तो यहाँ पे I hope आपको clear हो जाना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको solve किया है, right? So next video में continue करेंगे इन्हीं solved examples के साथ। Thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.